राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन ने बड़े शहरों खासकर मुंबई में रहने वाले लोगों पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी होम टाउन पटना पसंद है, लेकिन प्रोफेशन और जरूरतों के चलते उन्हें मुंबई में रहना पड़ता है। शेखर ने मुंबई के लोगों की तुलना जानवरों से कर दी और शहर को जंगल बताया। एक इंटरव्यू में जब शेखर से छोटे शहरों और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये शहर थोड़ी है, ये जंगल है। यहाँ इंसान नहीं बसते, यहाँ सब खौफनाक लोग हैं। यहाँ लोग रोबोट्स बन गए हैं, AI से बने रोबोट्स हैं। ये लोग भूत हैं, सब पत्थर हैं और ऐसा ही उनका दिल भी है और रूह भी। जंगल में सब भटक रहे हैं और कोई कायदा तो नहीं है। ये सब सिरफिरे लोग, इनको क्या कहा जाए, इनको इंसान कहने में शर्म आती है। शेखर ने कहा कि उनके पास ऐसे लोगों के बीच रहने के अलावा कोई चारा नहीं। शेखर ने कहा ऐसे में व्यक्ति को अपने लिए सेफ कॉर्नर तलाश कर सर्वाइव करने के अलावा कोई और चारा नहीं, ताकि शांति से यहाँ रहा जा सके। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।